पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में ग्रेट रिफ्ट वैली। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। केन्या में भारी बारिश और बाढ़ के कारण वहां कामुचिरी गांव के पास रिफ्ट वैली में एक बांध टूट गया। बांध के टूटने से वहां कई लोगों की मौत हो गई। चलिए अब जानते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक दरारों में से एक है जो पूर्वी अफ्रीका के वृहद हिस्से से होकर गुजरती है। द ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है जो उत्तरी सीरिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका के मध्य मोजाम्बिक तक लगभग 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है। जॉर्डन नदी इस घाटी से निकलती है और अंततः इसराइल तथा जॉर्डन के बीच की सीमा पर मृत सागर में मिल जाती है। अदन की खाड़ी दरार की पूर्व की ओर निरंतरता में है। इस बिंदु से दरार दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर के मध्य महासागरीय रिज के हिस्से के रूप में फैली हुई है। पूर्वी अफ्रीका में घाटी पूर्वी दरार और पश्चिमी दरार पर विभाजित होती है। पश्चिमी दरार, जिसे अल्बर्टीन दरार के रूप में भी जाना जाता है, में दुनिया की कुछ सबसे गहरी झीलें हैं। इस क्षेत्र में लगभग 30 झीलों की एक श्रृंखला स्थित है। यह घाटी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां तीन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। इसका निर्माण लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब टेक्टोनिक प्लेटें विभाजित हो गईं और इससे पूर्वी अफ्रीकी दरार का जन्म हुआ। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से अत्यधिक सक्रिय है और इसके अंतर्गत ज्वालामुखी, गर्म झरने, गीजर और भूकंप प्रवण क्षेत्र आते हैं। अफ्रीका के कई सबसे ऊंचे पर्वत, जिनमें माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या और माउंट मार्गरीटा शामिल हैं, रिफ्ट वैली के सामने की श्रेणियों में स्थित हैं। रिफ्ट वैली के बारे में। रिफ्ट वैली या दरार घाटी एक ऐसा निचला क्षेत्र है जो वहाँ निर्मित होती है, जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं। वे भूमि पर और समुद्र के तल पर पाई जाती हैं, जहाँ वे समुद्र तल के फैलने की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। वे नदी घाटियों और हिमनद घाटियों से इस मायने में भिन्न हैं कि वे विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित होती हैं, जबकि नदियाँ कटाव की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्रेट रिफ्ट वैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक दरारों में से एक है जो पूर्वी अफ्रीका के हिस्से से होकर गुजरती है। दो, यह घाटी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां तीन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।